कुर्बानियां देने का टाइम नहीं, अब लेने का टाइम है। मेरे ख्याल में अब सोच समझ कर जाएंगे, जितनी एक डोज उनको हो चुकी है, उम्मीद है कि वो कीड़ा अब उन्हें सुकून से बैठने देगा। लेकिन ये बड़ी पॉजिटिव चीज है कि आप ये जो फैसला कर रहे हैं, आप कमाल साहब की विजिट के लिए आपने नौकरी का किया है, इसके लिए वो टाइम फ्रेम है कि कब तक करेंगे इसको, अमल दरामद कब तक होगा? देखिए जी, मैंने तो कोई टाइम लिया ही नहीं है कि मुझे 6 महीने का दे दें। आज उनके खिदमत में हाजिर हुए हैं, उनके वर्सा से बात की है, ये इन्होंने सोच के बताना है, ये कल ही करेंगे तो हम कल ही उस पर प्रोसेस शुरू कर देंगे। हमारी वो बहन भी है, हमारी वो बेटी भी है, ये बच्चे हमारे हैं, कौम के बच्चे हैं, इनके लिए करना है, हमने अपनी आखिरत के लिए करना है। ना तो मैं इस हलके से मैंने मुंतखब होना है कि मैंने यहाँ पे कोई शोभदाबाजी करके जानी है। मेरे आँखों में भी आंसू हैं, मेरा दिल भी जो है इनके साथ धड़क रहा है। मैंने ये लाशें उठाई हुई हैं जी, जब 18 अक्टूबर को कराची के अंदर सानिया हुआ तो मेरे लोग वहाँ मौजूद थे, मैं खुद वहाँ मौजूद था, मैंने वो मनाजिर अपनी आँखों से देखे हैं जी। मैं कैसे भूल सकता हूँ या मुझे कैसे शहीद की कदर नहीं हो सकती जी? सर आज मैं कहता हूँ, आज रहने दे। देखिए जी, शायद आप में से कई दोस्त हों जिन्होंने मेरी वो गुफ्तगू असेंबली में सुनी हो। मैंने कभी, मैं हमेशा मजलूम के साथ खड़ा हूँ जी, मैं इनका ही नुमाइंदा हूँ। मैंने वहाँ पे भी वकालत की थी, मैं आज भी कर रहा हूँ, मैं मरते दम तक करूँगा। देखें, मैं मेरी गुजारिश सुन लें, ये मुल्क जो है, ये यहाँ पर जो ताकत की सियासत है, मैं उसके हक में नहीं हूँ जी। मैं कहता हूँ कि उन मजलूमों को भी इंसाफ मिलना चाहिए और इन मजलूमों को भी मिलना चाहिए। हमारी आवाज़ इनके साथ होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। ये अभी थोड़ी देर में और 1000 प्रेस टॉक होनी है, मैं कर लूँगा, यहाँ यार मुनासिब नहीं।